करेंगे। हम लोग पाठ करेंगे, हिंदी बोल रहा हूँ, पाठ करेंगे दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 27, 27 ना। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहर्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कोई एक जन पढ़ो। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च ना तुम सोची तुमर हसी। जातस्य जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुव तथ्य है, मृत्यु मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है, जन्म जन्म मृतस्य मृत प्राणी का च भी तस्मात् अतः अपरिहार्य जिसे बचा ना जा सके उसका अर्थे के विषय में ना नहीं तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद भारत बाय डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी जगत गुरु प्रभुपाद जी महाराज की जय। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित ही है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भावार्थ मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या बद्ध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो सज्जनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वो विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वो अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वो अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सुहगण रघुनाथम नितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादानु सुहगण ललिता श्री विशाखा नितम्श्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को माध्यम बनाते हुए समग्र मानव समाज के लिए यह अत्यंत उपदेश दिव्य रहस्य का उपदेश दे रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा हमारा मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण उपदेश है। तो वास्तव में इसी को जानने के लिए ही ये मानव जीवन मिला हुआ है और किसी जन्म में किसी भी योनि में किसी भी शरीर में ये जानकारी आपको नहीं प्राप्त हो सकती है। यह हमारा जो भारत देश है ये वास्तव में देश नहीं है, ये समग्र विश्व के लिए एक संदेश है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज उनके गुरु ने उनको आदेश दिए थे कि आप पाश्चात्य देशों में अमेरिका में जाओ और इस भगवद गीता का जो संदेश है, जो समग्र वेद शास्त्र पुराण का सार है, इसको आप पाश्चात्य देशों में इसका प्रचार करो। क्यों ऐसा? सारे धर्म तो इधर ही है, वहां क्यों बोले? है या नहीं? क्योंकि हमारा जो भारत देश है, एक कहावत नहीं है क्या, अभी आपके घर के सामने बस स्टॉप है लेकिन आप बस फेल हो जाओगे, क्योंकि सामने ही है ना, दूर दूर से आके उधर से बस पकड़ के चले जाएंगे लोग लेकिन आप फेल हो जाओगे, क्यों? सामने ही है। इसी प्रकार हमारे जो भारत देश है अभी वो वेस्टर्नाइज हो रहा है, वेस्टर्न जो सभ्यता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका अनुकरण कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी के जो गुरुजी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनको आदेश दिए कि आप उधर जा करके इस संदेश को प्रचार करो। हम लोग देखिए ये भारत में जो कुछ भी सब आ रहा है, म्यूजिक हो, वेशभूषा हो, खान पान हो, लाइफस्टाइल हो,
सब कुछ वहीं से आ रहा है। और हम भारतवासी, भारतीय लोग, इंडियंस सोचते हैं कि ये जो ये संसार में हम लोग बहुत धन संपत्ति क्या क्या सब करते हैं, लोग पढ़ाई करते हैं, आईटी प्रोफेशनल, मिनिस्टर्स, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे कोई भी हो, ये लोग सब क्या सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे भी करके एडजस्ट करेंगे और सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कभी हो नहीं सकता है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, उन्होंने जाकर के उनको एक प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी एक प्रश्न पूछे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, बोले व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी, एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर के मध्य में क्या अंतर है। इसका आंसर वो लोग नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता है, इसका ज्ञान किसी को भी नहीं है। हम लोग ये शरीर है या ये शरीर से कुछ अलग चीज है, इतना ही ज्ञान हमको नहीं है। हाँ सुनते हैं बहुत, हाँ हम आत्मा है, ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसा सुपरफिशियली हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन उसको कुछ रियलाइजेशन नहीं करते हैं। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। प्रभुपाद जी बोले हैं, आप चाहे कितना भी भौतिक दृष्टिकोण से आगे जाओ, कुछ अच्छा सर्विस मिल जाए, बहुत अच्छा बंगलो, गाड़ी, नौकर चाकर, बीवी बच्चे सब हो जाए, लेकिन हम लोग क्या, मैं पूछता हूँ, क्या सुखी है हम लोग? क्या सुखी है? इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग सुखी नहीं है। और एक चीज हम ढूंढ रहे हैं, सभी लोग ढूंढ रहे हैं, जिनको मिल गया वो भी ढूंढ रहे हैं, जिनको नहीं मिला वो तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन एक चीज ढूंढ रहे हैं, और क्या है वो? वो है आनंद, सुख, शांति। प्रभुपाद जी उनको एक उदाहरण दिए, बोले देखो इधर एक कोई तालाब हो, वहां से एक मछली को पकड़ के ले आइए और उसको अच्छा सा एक एसी कमरे में रखिए, और जो भी आज का उपकरण सब निकला है, 56 इंच वाला क्वांटम डिस्प्ले सीडी प्लेयर दीजिए उनको, बहुत अच्छा सुंदर महंगी कार दीजिए, अच्छा पोशाक दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, क्या वो मछली सुखी रहेगा उधर? ना, मछली बोलेगी मुझे लेकर के उस पानी में छोड़ दो, क्योंकि मछली का जो जीवन होता है वो पानी का ही होता है। तो हम लोग का भी जीवन ठीक वैसे ही है, जस्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ द वाटर। तो हम लोग ये समझना होगा कि हम लोग ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है जिनका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है,
अच्छा, इसके पहले श्लोक में बताया गया है न जायते म्रियते वा कदाचित, इसका क्या अर्थ होता है? वहां पर बताया जा रहा है कि हम कभी भी जन्म नहीं लेते हैं और हमारी कभी जन्म जिसकी नहीं होती है उसकी मृत्यु नहीं होती है। और यहां पर बोल रहे जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित होता है और जिसका मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित होती है। और वहां पर बताया जा रहा है न जायते म्रियते वा, कभी भी मृत्यु नहीं होती हमारी ना कभी जन्म होता है। ये स्पष्ट है कि हमारी जन्म होता नहीं ना हमारी मृत्यु होती है, ये शरीर ही जन्म लेता है और मृत्यु होती है इसकी। और यही हमारा सबसे बड़ा दुख है, चाहे आप करोड़पति होइए, रोडपति होइए, राजा होइए, रंक होइए, फकीर होइए, कोई देश का होइए, जात का होइए, धर्म का होइए, कोई भी होइए, ये सबके लिए ये नियम लागू है। और इससे बचा जा सकता है, ये मृत्यु के हाथ से बचा भी जा सकता है। अभी हम लोग का जो गुरु परंपरा है, हमारे परंपरा में कितने लोग मृत्यु से शरीर नहीं त्याग किए, बताइए नाम मालूम है? हाल ही की बात है, तुकाराम महाराज देहूगा, पुना से कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर दूरी पर उनका भजन कुटीर है, अभी भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। 200-250 साल पहले की बात है, उन्होंने हरि भजन करके अपने शरीर को ऐसा दिव्य बना दिया जैसे लोहा आग के संपर्क में आकर के वो लोहा लोहा नहीं रह जाता है, फिर वो आग का रूप धारण कर लेता है। उस प्रकार वो अपने शरीर को जैसे साधारण लोग हम लोग को सब त्यागना पड़ता है, जलाया जाता है, उन्होंने नहीं किया, वो भगवान के विमान आए, विमान से बैठ करके चले गए। और भी हमारे परंपरा में कई लोग हैं जो शरीर त्याग नहीं किए, बोलिए ध्रुव महाराज, मृत्यु देवता के ऊपर सर पे पैर रख करके उन्होंने विमान पे चढ़ के और अपने माँ को भी साथ लेते हुए चले, क्योंकि उन्होंने माँ के ही आदेश पर उन्होंने भजन किया था। और कौन? रसिकानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रसिकानंद प्रभु, उन्होंने भी शरीर त्याग नहीं किए थे। और गदाधर पंडित, उन्होंने भी शरीर गोपीनाथ के स्वरूप में लीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ये कलयुग में आए थे संसार के, कलयुग के सारे पापी तापियों को उद्धार करने के लिए, उन्होंने भी शरीर त्याग नहीं किया, देखते देखते उन्होंने क्या किया, भगवान के श्री अंग में प्रविष्ट हो गए जगन्नाथपुरी में। शांति शांति रखिए। तो ये मृत्यु को टाला भी जा सकता है और हम लोग ये सब प्रमाण के साथ देख रहे हैं, और ये हमारा मनुष्य जीवन का एकमात्र कार्य है। आप ये मत सोचिए हमारे पास सब कुछ सुविधा है, अभी हम बहुत बड़ा कोठी बना लिया है, बहुत अच्छा सर्विस है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, बच्चे सब कुछ बढ़िया है, चल रहा है सब, नो नो नो, आप भ्रम में हो। आप चाहे कौन सा भी पोजीशन में हो, वो आपसे छीन लिया जाएगा। मृत्यु सर्व हरश्च अहम, भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में, कि मुझे अभी समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं एक समय आऊंगा, मृत्यु के रूप में आऊंगा और एक सेकंड में सब कुछ छीन लूंगा। तो ये जो जन्म और मृत्यु का जो बीमारी है हम सबको लगी हुई है, ये संसार का ऐसा नियम है, ये संसार का ये नियम है। क्यों? ये चीज क्या अच्छा चीज है?
जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी जी की, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, श्री श्री गौरनिताय भगवान की, लगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो ये क्या अच्छा चीज है? ये मर जाना फिर जन्म लेना कितना कष्ट है। जन्म लो फिर मरो, फिर बूढ़ा बनो, फिर रोग बीमारी भोगो, फिर मरने के बाद क्या होता है? भगवान यहां क्या बता रहे हैं? जातस्य ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मृतस्य च मतलब जो उसका मृत्यु हुआ है उसका फिर वापस जन्म होता है। और ये कौन बोल रहे हैं? कोई ऑर्डिनरी आदमी बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण। और ये बड़े बड़े महाजन लोग भी बोल रहे हैं, लाइक शंकराचार्य जगत गुरु है, माध्वाचार्य, बड़े बड़े आचार्य लोग, और सारे वेद यही बोल रहे हैं कि ये असुविधा है। अगर आप यहां रहोगे, यहां पर आपको ये असुविधा होगा। ये भगवान का एक जेल है, और ये जेल के अंदर जो भी रहना चाहेगा उसको ये दंड लागू होगा। ध्यान से सुनिए, इस जेल के अंदर जो भी रहेगा, यहां से जो भी छूटना नहीं चाहेगा उसको ये दंड स्वीकार करना पड़ेगा, और ये बार बार होगा हमारे साथ। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? इसका उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है इसको रोकने के लिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज ये मंदिर बनाए। ये मंदिर नहीं, ऐसे अनेकों मंदिर बनाए समग्र विश्व में कि लोग यहां पर आए। देखो, ये बंबई शहर माया नगरी बोलते हैं इधर, सिटी इज नॉट मेंट फॉर द डिवोटी, भक्तों के लिए नहीं है शहर का जीवन। लेकिन क्यों प्रभुपाद जी यहां बनाए? क्योंकि ये जो मायाग्रस्त माया मोहित होकर के सब भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? आप बोलेंगे वही चीज, बेसिक चीज आप बार बार बताते हो। नहीं, इसको बार बार भगवान बोलते अनुदर्शनम करो, इसको बार बार सामने रखो। ये मेरा प्रॉब्लम है। आहार निद्रा भय मैथुनंश सामान्य एतद् पशुभि नराणाम् धर्म ही एको अधिक विशेष धर्मे रही न पशुभि समान। हम लोग ये जो भाग दौड़ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, ये ज्ञान दिया जाता है। कॉलेज में बताया कभी कोई प्रोफेसर कि भगवान ये संसार को बनाया और ये संसार को भगवान आपको मेंटेन कर रहे हैं, आप उनके अधीन में हो, उनका कंट्रोल आपके ऊपर चलता है, ऐसा कुछ बताया कभी? ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बताया, ना घर में पिता माता बताया, ना कोई बताया। हम लोग ऐसे मच्छर जैसा जन्म लिया, क्यों जिया, कैसे जिया, कैसे भी करके फिर मर गया, मालूम नहीं पड़ा। और इतना सुंदर मानव जीवन है, इतना सुंदर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ छुपा के भगवान ने नहीं रखा है? ऐसा नहीं कि भगवान हमारे सामने नहीं है, भगवान किधर रहता है, कौन है, पता नहीं। अरे भगवान खुद ही आ करके ये संसार में भगवान उतरते हैं, क्योंकि उन्हीं का संसार है। अगर वो चाहे तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? हम लोग भी ये संसार में आए हैं और हमको भेजा गया है, और वो अपने इच्छा से आते हैं, इच्छा से चले जाते हैं, और हमारे आने जाने में उनके आने जाने में बहुत फर्क है। कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वत तुक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मैं जो ये संसार में आता हूं, मेरा कुछ करने को शेष नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, मेरा इतनी शक्तियां हैं, मेरा इच्छा से सारे संसार बनता है, उसको मेंटेन करता हूं मैं मेरी इच्छा से, मेरी शक्तियों के द्वारा, और मैं इसको तोड़ भी देता हूं, प्रलय कर देता हूं मेरी इच्छा के मात्र से,
मुझे कुछ करने शेष नहीं है, लेकिन भगवान बोलते फिर भी मैं आता हूँ और कुछ करता हूँ, यहाँ पर भक्तों के साथ कुछ मेरा रिलेशन है। तो अगर वो चीज कुछ कोई समझ जाएगा तो ये जो जन्म के बाद फिर मरण होना, फिर मरने के बाद फिर जन्म होना, ये जो बात बता रहे हैं, ये जो तकलीफ हमारे लिए है, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए ये प्रॉब्लम्स है, तो इसे छूट जाएगा, आसानी से छूट जाएगा। सीधा मैं आपको श्लोक बता रहा हूं, जन्म कर्म च में दिव्यम, वो साधारण नहीं है। भगवान जैसे बोलते ये भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, इसे जन्माष्टमी मनाया गया, देवकी के पुत्र है, ऐसा नहीं है, वो सब तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व तो उनको समझ जाएंगे तो यह हमारा आखिरी शरीर, जो हम लोग ऐसा मत समझिए कि हम लोग सोच रहे हैं, अभी हम लोग जब जन्म हुआ, समझो हमारे को 40 साल है, 40 साल पहले कहाँ थे हम लोग, 40 साल पहले किससे क्या रिश्ता था आपका, आपका पिताजी के साथ क्या रिश्ता था, और फिर 10-20 साल के बाद आप कहाँ जाओगे, कौन बताएगा, कोई बता सकता है, कोई साइंटिस्ट है बताएगा, नो साइलेंट, ये वेद बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, इसको समझो। अभी आप लोग जो बोल समझ रहे हो, ये मेरा बहुत सुंदर भाव से मैं इधर एडजस्ट हो गया हूं, ये टेम्पररी अरेंजमेंट, ये हमारा वास्तविक असली स्थिति नहीं है। और ये जो भी सुविधा आपको दिया गया है मनुष्य जीवन में, ये सुविधा के माध्यम से उनको पाने के लिए हम लोग उसका मिसयूटिलाइज करते हैं। ये मनुष्य जीवन का मिशन है। व्हाई आई एम सफरिंग लाइक एनीथिंग, लेकिन माया का ऐसा प्रभाव है वो आपको भ्रमित कर देता है, दुख को ही सुख रूप में आपको मालूम करा देता है, ऐसा लगता है भ्रम में है आप, हम लोग, ये माया का ऐसा प्रभाव है, हे हम लोग दुखी, पल पल हमको दुख हो रहा है। तो ये दुख से छूटने के लिए हमेशा के लिए परमानेंट ये भगवान ने एक ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान, इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये संस्था का निर्माण किया। ये जो रैट रेस भाग दौड़ करते हैं ना लोग माया नगरी में, ताकि आकर के थोड़ा बैठे, थोड़ा सुने भगवान के बारे में, कम से कम थोड़ा तो सुन तो ले, कुछ प्रश्न पूछे हमारे समस्या के बारे में। इसीलिए भगवान आते हैं, उनके शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, यह हमारा जीवन का मिशन होना चाहिए, ये सब पूछना चाहिए। हम लोग मंदिर आते हैं, किसी का शादी नहीं हो पा रहा है, अच्छा आशीर्वाद दे दो, शादी हो गया, किसी को बच्चे नहीं है, चलो बच्चे, चलो कोई बीमार है, क्यों कैंसर हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, समस्या है। ये संसार में सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, तुलयाम लवेनापी किम स्वर्गम किम पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानं किमुताशिष। कह रहे हैं कि संसार में कोई बड़ा आशीर्वाद नहीं है। कोई अगर मंदिर में आकर के कोई बहुत पैसा वाला बनना चाहता है, अच्छा पोजीशन प्राप्त करना चाहता है, कोई भी वस्तु संसार का मांगता है, तो उसको बड़ा आशीर्वाद नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि मृत्यु सबके लिए है, मरना है, मरेंगे सब, इसलिए उसको बड़ा आशीर्वाद नहीं माना गया है, क्योंकि वो आपसे छीन जाएगा,
आपसे बड़े बड़े थे रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, बड़े बड़े पोजीशन में थे, आज तो कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कहाँ है? वी डू नॉट नो व्हाट इज आवर पोजीशन। तो हम लोग ऐसी स्थिति में है। तो यहां बता रहे हैं कि ये जो ये संसार में ऐसा एक दूसरे को कोई किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता है, और ये संसार में ऐसा कोई बड़ा आशीर्वाद है भी नहीं है। भगवत भक्ति संघस्य मर्त्यानाम किमुता आशीष, क्योंकि सारे मरने वाले हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद है भगवत भक्त संघस्य। ये संसार में आज कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, सब पैसा देने से मिल जाता है, मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज दुर्लभ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। क्या है वो? भगवान का शुद्ध भक्त, जैसे जगत गुरु प्रभुपाद यहां पर ये श्लोक में बता रहे हैं, भगवत भक्त संघस्य मर्त्यानाम किमुता आशीष। और कोई आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद यहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब मरने वाले हैं। ये संसार को मृत्युलोक क्यों कहा गया है पता है आपको? हम लोग जो रह रहे हैं ना, ये संसार, ये 14 स्टोरी का बिल्डिंग जैसा मानो, इसमें हम 7वां फ्लोर में है, हम लोग भूलोक में है। इसके ऊपर सबसे टॉप में है ब्रह्मलोक, उसको सत्यलोक भी बोलते हैं, भूलोक, सुहलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, तप, ब्रह्मलोक। और वो सब जगह में एक फिक्स है, इतना समय के बाद आपकी मृत्यु होगी, लेकिन यहां पर आपका फिक्स डेट नहीं है। या हम लोग जो इतना सब उड़ी मारते हैं किस लिए? क्योंकि हमको मृत्यु का खबर नहीं है। अगर डॉक्टर बोलेगा आपको अभी 1 महीना में आपका मृत्यु हो जाएगी, तो आप राजनीति करेंगे, पेपर पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, क्या करेंगे? कोई नास्तिक नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को, दुख काहे को। हम लोग, हमारा बीमारी है, थोड़ा कुछ मिल गया, कोठी वोटी बना दिया सब, हाँ बहुत बड़ा है, भूल जाते हैं हम लोग। तो कभी भूलना नहीं चाहिए हम लोग को। क्या बता रहा था मैं? ये इस जगत को मृत्युलोक विशेष रूप से क्यों बताया गया? क्योंकि यहां पर किसका कब कहां कैसे मृत्यु होगा उसका कोई बताया नहीं जा सकता है। वर्ल्ड वॉर हो सकता है, विश्व युद्ध हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, रोग हो सकता है, ऐसे ही मर सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोई बंदूक से गोली मार देता है, आजकल देखो टेररिज्म हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, है? हो रहा है। तो ऐसे स्थिति है हमारी, लेकिन फिर भी हम लोग लड्डू खा के बैठा है, और इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? जैसे किसी मेंढक को पीछे से सांप पकड़ा है, उसका आधार निकल चुका है, और मेंढक ढूंढ रहा है कीड़ा कहां है, यह हमारे हालत है। नो, इंक्वायरी करो। इसीलिए आप लोग ये भारतवर्ष को एक बहुत बड़ा आफत आने वाला है, आ रहा है, बहुत जल्द आने वाला है। क्यों? क्यों? विशेष रूप से हम लोग जो हिंदू कहलाने वाले हैं, हम लोग धर्म से विहीन होते जा रहे हैं, और धर्म रक्षति इति रक्षित, ये जो सरकार का कानून है ना, ये हमको रक्षा नहीं कर सकता है, उल्टा सरकार भी निर्भर है
धर्म के ऊपर, धर्म नहीं होगा कुछ नहीं रहेगा। धर्म का मतलब होता है कानून, भगवान का कानून। जैसे ये संसार है, आपका संसार है, यहां पर कुछ लेके आए थे आप, सब क्यों आप, कैसे आप लोग यहां पे, किसके धन पे, किसके बल पे नाच रहे हो? किसने दिया ये धरती, किसने बनाया इतना बड़ा संसार, कौन बनाया ऐसा बल्ब लगाया? सूरज कभी फ्यूज नहीं होता है, सुबह आपका ऑफिस पहुंचना देर हो जाता है लेकिन वो टाइम पे उठता है। अगर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम बनाने वाला कोई है, और वो सब बताया गया, भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने श्रीमुख से, मया दक्षिण प्रकृति श्वेत चराचरम हेतु नारायण कौंत्य जगत भी परिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण करे मेरे अध्यक्षता में सारा संसार चल रहा है, ये मैंने बनाया है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बार बार, फिर हम लोग नहीं सुनते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, हम लोग हिंदू कहलाने वाले 99% लोग भगवत गीता में क्या लिखा है मालूम नहीं है। अगर हिंदू धर्म को अभी अटैक किया जाएगा नष्ट हो जाएगा, मालूम नहीं है, अंधे पूरा। तो हम लोग को ये जिज्ञासा करना चाहिए। जैसे आप लोग अगर मालूम होगा, महाराज परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन के अंदर मृत्यु होगी। उन्होंने अपना ये सारा राज, बड़े सम्राट थे समग्र विश्व के, ये इतिहास है हमारे, ये सब त्याग दिया तुरंत, क्या करके जा करके गंगा के तट पर चले गए, वहां पर जिज्ञासा किए। उसी प्रकार हमको जिज्ञासा करना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलेगा आपको 1 महीने में मृत्यु हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे मैं बचूंगा, चिंता हो जाएगी। हम लोग मृत्यु का खबर नहीं है इसलिए हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज को 7 दिन के लिए उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया था पहले से, लेकिन हमको 7 सेकंड के लिए भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो भक्त है, जो साधु है, जो सज्जन है, वो हमेशा सोचेगा मेरा आज आखिरी दिन है, और जो बदमाश है, जो असुर है, वो सोचेगा मैं कभी मरूंगा ही नहीं, संसार में जाके छोड़ के आया 50ों को, लेकिन अपने बारे में कभी सोचा नहीं, सोचता है। इसीलिए असुर, असुर का और एक डेफिनेशन दिया गया, क्या, विष्णु भक्त भवे दैव असुरत तद विपर्जय। जो विष्णु का भक्त नहीं है, वो क्या है, असुर। आप बोलेंगे क्या शिव जी का भक्त असुर? हाँ असुर। दुर्गा का भक्त? हाँ असुर। एक ही डेफिनेशन सारे वेद शास्त्र बताते हैं, विष्णु भक्त भवेत दैव असुर तद विपर्जय। रावण भी शिवजी का भक्त था, सबसे बड़ा भक्त था वो, और भगवान जब मारने आए तो रावण शिवजी उधर देखने तक भी नहीं आए। कंस माता दुर्गा का भक्त था और उसी के हाथ से निकल गए, बोले तू जी मारने के लिए जिसको चाह रहा है वो जन्म ले चुके हैं, पधार चुके हैं तुझे मारने के लिए। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के सबसे बड़े भक्त थे, सब असुर कहला है, सब असुर है, सब असुर का लिस्ट में नाम है सब। रावण को जलाया जाता है, जलाया जाता है, नहीं जाता है, रावण जलाते, एक ही डेफिनेशन है। क्योंकि ये समस्या कोई दूर नहीं कर सकता है आपका, ये जो जात सहित ध्रुवम, बार बार ये जन्म लेना, मर जाना, फिर बूढ़ा होना, कितना कष्ट है मालूम है। ये मनुष्य जीवन में जो फैसिलिटीज दिया है भगवान ने, ये भगवान को पाने के लिए, जैसे आपको बहुत बड़ा एक मल्टीनेशनल कंपनी का
जिम्मेदारी दिया जाएगा तो आप उस जिम्मेदारी को निभाओगे नहीं, ऑफिस जाओगे नहीं, अगर जाओगे तो वहां मनमानी करोगे तो क्या किया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब ये मानव जीवन में अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आपका अधोपतन होगा। याद रखिए 84 लाख जोनिया भ्रमण करने के बाद हम लोग आए हैं यहां पर। महाराष्ट्र में एक संत हो गए जिनका नाम है एकनाथ महाराज। उनको माताजी को पूछे, माताजी मेरे को कितना साल हो गया? माताजी बोले, बेटा तुझे 12 साल हो रहा है। बोले, माँ मैं 12 साल पहले कहां था? बोले, तू ऐसा क्या प्रश्न कर रहा है, मैं कहां क्या बताऊं? बोले, तुझे मालूम नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं मालूम। बोले, अभी मैं यहां से चला जाऊंगा, मरना है मुझे, या तो तू मुझे छोड़ के जाएगी या तो मैं तेरे को छोड़ के, कभी भी जाएंगे हम लोग, उसके बाद कहां जाएंगे हम लोग, तू कहां जाएगा, मैं कहां जाएंगे। अरे बेटा तू ऐसा क्या बात कर रहा है, मुझे ये सब पता नहीं है। बोले, माँ तू ठहर, मैं जरा पता करके आता हूं। उसी दिन से घर छोड़ दिया। अभी आप जिसको बेटा बोल रहे हो, जिसके प्रति इतना आसक्ति कर रहे हो, वो जन्म लेने से पहले आपका क्या संपर्क था उसके साथ? एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, कुछ क्षण के लिए। इसका पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए भगवान को समझने के लिए। अगर नहीं समझोगे फिर यही चलेगा आपके साथ, यही हमारा हिस्ट्री है, इतिहास है। और हम लोग ऐसा समझो कि अभी हम लोग है, मतलब टाइम इमेमोरियल, हम लोग सृष्टि के प्रारंभ से ही यहां पर पड़े हैं, सड़ रहे हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पाए नाना विध व्यथा। भक्ति विनोद ठाकुर अत्यंत सुंदर बोल रहे हैं। तुम्हार चरणे आसिया छिया मी, तुम्हार चरणे आसिया छिया मी, बोलिबे दुखेर कथा। ये हम लोग बहुत, अभी आप लोग सज्जन हो, आप लोग जो भी भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, उनको पुनर्जन्म होगा तो भी एक मनुष्य जीवन मिलेगा, मनुष्य जोनी में मिलेगा। बहुत अमीर आदमी के घर में, बहुत विद्वान के घर में, जैसे राजमहल में ऐसे जो को भ्रष्ट समझाए थे, सूची नाम श्री मतामगे है, जो भी मंदिर में आते हैं, भगवान से श्रद्धा रखते हैं, उनको मैं ये कह नहीं रहा हूं, मनगढ़ नहीं है, दूसरा अध्याय के 40 नंबर, नेह विक्रम नाशोसी पत्यवाय नवित स्वल्पमश धर्म से त्रायत मत। श्री श्री राधा रास ललिता विशाखा सखी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, निताय गौर सुंदर भगवान की, ताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद। हरे कृष्ण।